नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डवाली के झूठी खेड़ा सहित उप तहसील गोरीवाला के कई गांव में डवाली से विधायक नैना सिंह चौटाला ने दौरा किया, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। इस मौके पर नैना सिंह चौटाला ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पार्टियों की जेजेपी पार्टी की जनहितेशी नीतियों को अपने कार्यकर्ताओं को बताते हुए उनके घर घर तक पहुंचाने की बात की। उन्होंने साफ किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेजेपी एक तरफा लहर के साथ सरकार बनाएगी और विपक्ष व बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। साथ ही नैना सिंह चौटाला ने डव्वाली विधानसभा सत्र में डव्वाली की मांग उठाए जाने पर बीजेपी की खूब किरकिरी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास डव्वाली के हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर तैनात करने के लिए कोई जवाब नहीं है, बल्कि उन्हें यह कहा गया है कि अब वो दोबारा से इस सवाल को लेकर आए। साथ ही नैना सिंह चौटाला ने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का जो 70 पार का मिशन है वो पूरी तरह से ढरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जेजेपी किसानों के लिए, आम वर्ग के लिए और आम जनमानस के लिए बड़ी जनहितेशी नीतियां लेकर आएगी और जेजेपी की सरकार बनते ही पहली कलम से कर्जे माफ होंगे और गरीबों को मकान देने का काम किया जाएगा। इस मौके पर नैना सिंह ने कहा कि अब चाबी ही किस्मत का ताला खोलेगी और हरियाणा की जनता को सदाबहार कर देगी। पेश है तेज हरियाणा की खास रिपोर्ट। थाने कि अभी जो पीछे अपने लोकसभा को इलेक्शन हो भी मैं थोड़ो सो जो रिजल्ट हो अपनो वो कोई बहुत अच्छो को नहीं आएगा। कारण भी हो कि लोगों के दिमाग में दो ही अभी या तो मोदी ने चुन लियो या राहुल गांधी ने, तो मन लगे दोनों मुँह राहुल गांधी ने मोदी ने चुनो ज़्यादा ठीक लग गया। पर अब जगह इलेक्शन है भाई, अपने विधानसभा के इलेक्शन है और सिर्फ 2 महीना जगह है भाई इलेक्शन में रहे हैं, तो मैं तो थाने कहना ही आपनो चप्पल को अब आपनो जो को निशान है जननायक जनता पार्टी को वो चाबी को है, तो थी चाबी के निशान ने डोर टू डोर पहुँचाने को काम करो। अभी तो मैं तो मिलने का सिलसिला है, अभी गांव के लोगों से मिल रही हूँ और शायद ये मेरा 55 या 56वां गांव है, तो अभी तो मैं सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ लोगों से ना, ऐसा कोई पॉलिटिकल आऊंगी दोबारा वोट भी मांगने आएंगे। थोड़ा सा लोगों से पूछ भी रहे भी ज्यादा दिक्कत क्या वाटरवर्क्स के लिए, और कल मैं एक गांव में गई थी वहाँ पानी के इतने बिल आए हुए हैं बनवाला गांव में, तो ऐसी बातें मतलब वैसे सिंपल तरीके से मिलने आ रही हूँ लोगों से। हॉस्पिटल का मुद्दा उठाते उठाते मुझे 5 साल हो गए, चाहे वो चौटाला गाँव का ले लो चाहे वो डवाली का ले लो, हर बार मतलब ये 1 महीने के लिए कोई डॉक्टर भेजते हैं, वैसे तो भेजी नहीं, अब डव्वाली तो है ही नहीं, डॉक्टर ही नहीं है। और डव्वाली और मैं कहूँगी चौटाला गांव नहीं, अभी मैं मेवात में भी हरिचुंडी चौपाल करके आई हूँ, वहाँ मुझे लोगों ने औरतों ने एक बात बताई, मुझे खुद को इतनी शर्म आती है कि महिलाओं की डिलीवरी जो है वो मेल डॉक्टर करते हैं, मतलब पूरे हरियाणा में कहीं लेडी डॉक्टर है ही नहीं। और डव्वाली वाले में तो उनके पास जवाब ही नहीं था कि लास्ट में उन्होंने यही कहा कि नए सिरे से आप क्वेश्चन लगाओगे तो हम आपका आंसर देंगे, क्योंकि उनको पता था कि आगे सेशन है ही नहीं। देखो वो तो उड्डा सवार होएगा तभी पता चलेगा, वो गिदड़ भभकियां दे रहे हैं और जो उनके ऊपर के बॉस हैं उनके कोई असर नहीं हो रहा, तो मुझे इतना दिलदार उड्डा लगता नहीं कि नई पार्टी वो बना लेगा, सिर्फ गिदड़ भभकियां हैं और एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता राहुल गांधी और सोनिया जी जो हैं वो डर जाएं, पर मुझे नहीं लगता है अशोक तंवर इनका अध्यक्ष रहेगा और ये ऐसे करते करते मैं आपको दिखा दूंगी 18 के बाद ये शांत होके और अपने काम में लग जाएंगे सारे के सारे। मैम जम्मू कश्मीर में 370 के बाद बीजेपी बड़ी उत्साहित नजर आ रही है और अब तो कह रही है कि 70 पार, क्या लगता है क्या लगता है? ये तो सीटें 90 बनी है नहीं, मुझे लगता है वो कहते हैं हम 90 में से 100 लेते, ये तो 90 है, तो ये वहाँ सदन में जाके आप देखते इनका सारा उत्साह निकला पड़ा है, कोई इन्होंने काम नहीं किया। अपने डव्वाली के ले लो ना आप, या मुख्यमंत्री जी आए थे और वो नहर बना जो नेता उनको लेके गए थे, जो झूठी भीड़ इन्होंने इकट्ठी की थी बीजेपी के एक नेता ने,
आज वो नहर कहाँ है? मुझे लगता है पीछे अगर अपने ज्यादा बारिश होती, फ्लड आ जाती, तो मुझे लोग ये कहते भी जो नेता ने नहर निकाली वो नहर टूट गई। हाँ, तो सारी झूठ झूठ है। हॉस्पिटल का कहा था, कैंसर हॉस्पिटल का कहा था, आज तक कैंसर नहीं बना। इन्होंने कहा था डवाली की 20 किलोमीटर की परिधि में हम लोग एक महाविद्यालय खोलेंगे, आज तक वो नहीं खुला। कोई भी काम, एक मुझे आप सारे दिन मीडिया के वो हो घूमते रहते हो, एक चीज बता दो भी ये काम मुख्यमंत्री जी ने आके करके दिखा दिया, आज तक तो 5 साल में हुआ नहीं कहीं भी। आखिरी सवाल में, बीजेपी को लेकर डवाली में जो उम्मीदवार बहुत सारे अब तो फड़फड़ाने लगे हैं और भोड़ मची, सब लोग अलग अलग कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लगता है टिकट के चक्कर में क्या रहेगा? एक तो 22 MLA कल बीजेपी में चला गया, एक सीट तो ही खाली, ठीक है ना। वो राकेश शर्मा जो सबसे ज्यादा फड़फड़ा रहा था मुझे लग रहा है, और बाकी औरों के भी ऐसे पंख कटते रहेंगे और मुझे लगा था कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएंगे सारे के सारे। टिकट तो देखो एक को मिलनी है, बाकी सारे ऐसे फड़फड़ा रहे मुझे लग रहा है।